फ्रेंड्स, अगर आप नई नई माँ बनी हैं, तो आपको एक चीज के अंदर बहुत ही ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा जब भी आपने उसे पहली बार ट्राई किया होगा, और वो होता है बच्चे को डायपर पहनाना। जी हाँ, वैसे तो ये काफी सिली चीज है, लेकिन उसके बावजूद तो अगर बच्चे को डायपर सही तरीके से ना पहनाया जाए तो हो सकता है उसके पैरों में या फिर घुटने में मोच आ जाए। इसीलिए सही तरीके से बच्चे को डायपर पहनाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बच्चों की हड्डियां, घुटने और कूल्हे काफी ज्यादा मजबूत नहीं होते हैं, वो काफी ज्यादा कमजोर होते हैं। इसीलिए सही तरीके से बेबीज को डायपर पहनाना भी एक कला के समान है। आइए जानते हैं कि अगर आप नई नई माँ बनी है या मम्मी बनने वाली है, तो आप इस चीज को पहले ही सीख ले और अपने आप को इस चीज में परफेक्ट कर ले कि बच्चे को डायपर पहनाया कैसे जाता है। टिप नंबर वन, सबसे जरूरी बात यह होती है कि जब भी माँ अपने बच्चे का डायपर चेंज करती है तो वो निरंतर रोते ही रहते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि ऐसा क्यों होता है? अगर आपको अपने बच्चे का डायपर चेंज करना है तो सबसे पहले आपको इस चीज पर ध्यान देना बहुत जरूरी है कि आप उसे फील ना होने दे कि आप कुछ कर रहे हैं। उसके हाथ के अंदर या तो उसका फेवरेट सॉफ्ट टॉय दे दे या फिर उसके ध्यान को कहीं और केंद्रित कर दे। ऐसा करने से उसे पता ही नहीं चलेगा कि उसका डायपर चेंज हो रहा है। टिप नंबर टू, जिस डायपर को आप बदल रहे हैं तो खराब डायपर को अच्छे तरीके से लपेट कर एक पॉलिथीन के अंदर बांधकर बंद डस्टबिन के अंदर फेंक दीजिए। ऐसा करने से अगर आपका बच्चा घुटनों से चलना सीख रहा है तो वो डायपर तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि डायपर काफी गंदा है और अगर वो बच्चे के हाथ लग गया तो उसकी वजह से संक्रमण का खतरा काफी हद तक बढ़ जाता है। टिप नंबर थ्री, तो डायपर चेंज करने से पहले और डायपर चेंज करने के बाद दोनों बार ही अपने हाथों को अच्छे हैंड वॉश से जरूर धोइए। ऐसा करने से संक्रमण का खतरा बिल्कुल भी नहीं होता है। टिप नंबर फोर, गीलेपन से होने वाले डायपर रैशेस को रोकने के लिए डायपर या फिर वाइप्स का इस्तेमाल करिए। इस वाइप से आप बच्चे के डायपर एरिया पे अच्छे तरीके से सफाई कर दीजिए, क्योंकि डायपर वाइप्स के अंदर बेबी ऑयल ऑलरेडी होता है, इसीलिए वो रैशेस होने से बच्चे की स्किन को आसानी से बचा लेता है। टिप नंबर फाइव, जब भी आप बच्चे की डायपर चेंज करें तो नए डायपर को एकदम ही कस के बच्चे की स्किन पर ना बांधे। ऐसा करने से बच्चों की स्किन पर रैशेस पड़ जाते हैं और उनकी त्वचा के अंदर ब्लड सर्कुलेशन होना काफी धीमा हो जाता है, जो कि बच्चों की त्वचा के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसीलिए डायपर को थोड़ा सा ढीला ही बांधे। सो दोस्तों, अगर आपको डायपर पहनाने की कला नहीं आती है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो को देखिए और अपने व्यूज को हमारे साथ शेयर करिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।